हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, आज मैं एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स के साथ आई हूँ। आज हम कच्चे आम को कैसे लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर करके, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वही हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कच्चे आम का सीज़न है अभी, और कुछ ही महीनों में कच्चे आम का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और हमें फिर बाद में अगर यूज़ करना होगा तो हम इस तरीके से कच्चे आम को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आम लिए हैं, जिसको अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक कुक करने के लिए रख दिया है। 2 से ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा। 2 विसल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और हम वेट करेंगे इसका सारा प्रेशर निकल जाए, और इसके बाद हम आम को निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और आम के ठंडे होने तक का वेट करेंगे। आम को हम कुछ देर ऐसे ही रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और अच्छे से पील कर पाए। तो देखिए, आम ठंडी हो चुकी है कुछ देर बाहर रखने के बाद, और चलिए हम इसको पील कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी ईजिली ये पील हो जाएगा। इस तरह से हमें आम को छील लेना है, और आम के जो छिलके हैं उसको अभी फेंकना नहीं है, उसका भी यूज़ करेंगे हम आगे। तो देखिए, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इजीली हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने इजीली हमने आम को बॉईल करके और इसका छिलका निकाल लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए हमें आम में से इसका पल्प सारा निकाल लेना है। तो हम एक स्पून के हेल्प से, देखिए आम का पल्प निकाल रहे हैं। सबसे पहले छिलकों में से भी हम पल्प निकाल रहे हैं। ये देखिए, छिलकों में बहुत सारा पल्प होता है। तो एक स्पून के हेल्प से आप इसको भी यूज़ कर लीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा, इसमें काफ़ी सारा रह जाता है, देख सकते हैं आप। तो ईजिली हमने छिलकों में से पल्प निकाल लिए, और इसके बाद हम सेम प्रोसेस स्पून से या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप सारा पल्प आम में से निकाल लीजिएगा। और हमें बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं करना है। देखिए, थोड़े अच्छे से सारा पल्प निकालेंगे। इस तरह से हम आम को स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक, महीनों तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सारा पल्प हमने निकाल लिया है और ये गुठली को अब हम फेंक देंगे। और सारे आम का पल्प निकालने के बाद हम इसको मैश करेंगे। यहाँ पे मैं हाथों से कर रही हूँ, आप मैशर के हेल्प से भी मैश कर सकते हैं और इसमें गुठलियाँ ना रहे, अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए भी 2 प्रोसेस है। एक तो आप कोई जार लीजिए या कंटेनर लीजिए और उसको एज इट इज़ जार या कंटेनर में डालकर आप फ्रीज़र में रख दीजिए। और सेकंड प्रोसेस के लिए हमें चाहिए आइस ट्रे, और हम आइस ट्रे में फिल कर देंगे पल्प को इस तरह से। सभी क्यूब्स को हमें फिल कर देना है, थोड़ा प्रेस करके अच्छे से हम फिल कर लेंगे। आइस ट्रे को फिल करने के बाद हम इसको फ्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लेना है, 7-8 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए, ये फिल कर लिया हमने और इसको हम फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लेंगे। और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। चलिए, मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, और हमें कम से कम 7-8 घंटा लग जाएगा इसको फ्रीज़ करने में अच्छे से। कुछ ही दिनों में आम का सीज़न चला जाएगा और हम अगर स्टोर करके रखेंगे तो कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। 8 आवर्स हो चुके हैं, हमने फ्रीज़र में से निकाल के इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखा है, और इसके बाद हम इसमें से सारे क्यूब्स निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही ईजिली निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, इस तरह से हम सारे क्यूब्स को निकाल लेंगे और इसको स्टोर करके रखेंगे। एक ज़िपलॉक बैग में मैं स्टोर करूँगी, आप चाहे तो इसको किसी बॉक्स में, टिफ़िन में, कंटेनर में, किसी में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ करना हो, एक एक क्यूब्स निकालिए और यूज़ कर लीजिए। इस तरह से अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो स्पेस भी कम लगेगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जब भी कच्चे आम को यूज़ करना है, हम क्यूब्स निकालेंगे और इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं पूरे साल तक, ये ख़राब नहीं होने वाला है। बस आपको यूज़ करने के बाद इसको फिर से फ्रीज़र में स्टोर करके रख देना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये यूज़फुल टिप्स पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।